अब तैयार हो जाइए नए ड्रामे, रोमांस और सस्पेंस के लिए, क्योंकि जल्द ही हमें छोटी स्क्रीन पर कुछ धमाकेदार नए शोज देखने को मिलेंगे। चाहे वो लव स्टोरी हो या फिर कॉमेडी, नए शोज नए रंगों से भरपूर हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं शो से जो हमें जल्दी कलर्स टीवी पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल सुहागन की। रिच और लैविश लाइफस्टाइल से भरपूर हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स अक्सर रियल और रूरल इंडिया को दिखाने से परहेज करते हैं, मगर ये सीरियल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली दो बहनों की कहानी दिखाता है। इस शो के लीड रोल में कुल्फी कुमार बाजीवाला फेम आकृति शर्मा नजर आएंगी, वही कुरंगी नागराज उनकी छोटी बहन पायल की भूमिका निभाएंगी। अपने रिश्तेदारों के साथ रहने वाली ये दोनों बहनें जो तो एक दूसरे की जान हैं, पर दोनों एक दूसरे से बेहद अलग। जहां बिंदिया एक सहनशील लड़की है जो बिना किसी शिकायत के सारे काम करती है, वही पायल थोड़ी शरारती है। शो में एक्टर बद्रुल इस्लाम और रोजलिन डिसोजा भी मुख्य भूमिका में होंगे। रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स और कलर्स टीवी के शो की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। इस लिस्ट में अगला शो है हम रहे ना रहे हम, जो 10 अप्रैल से रात 9 बजे सोनी टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। इफ यू आर अ फैन ऑफ लव स्टोरीज दैट क्रॉस सोशल बाउंड्रीज, देन दिस शो इज मस्ट वॉच फॉर यू। लग्जरी और रोमांस से लेकर साजिशें और पावर गेम्स तक इस शो में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इस शो के लीड रोल में जय भानुशाली और टीना दत्ता नजर आएंगे। जहाँ जय एक प्रिंस का रोल अदा करेंगे, वही टीना एक आम लड़की का रोल प्ले करेंगी जो अपनी जिंदगी को खुलकर जीती है और जय से प्यार करती है। वही कीटो गिडवानी जय की माँ की भूमिका निभाएंगी जो पॉसिबली शो की विलन हो सकती है। अपने स्टनिंग विजुअल्स, हार्ट वार्मिंग प्लॉट और टैलेंटेड कास्ट के साथ स्वस्तिक प्रोडक्शन के इस नए शो का हिट जाना लगभग तय है। लिस्ट में अगला नाम है स्वस्तिक प्रोडक्शन के ही नए शो सिवो हम का। जून 2023 से कलर्स टीवी पर एयर होने वाले शो की अभी तक कास्ट की कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि यह शो कलर्स मराठी की सीरियल योगेश्वर जयशंकर का रीमेक होगा। बात करें शो के प्लॉट की, तो कहानी बेस्ड होगी भगवान शिव के जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं पर। फाइनली एक ऐसा शो जिसे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है। लिस्ट में अगला नाम है सीरियल सपनों की छलांग का, जिसमें झांसी की रहने वाली राधिका यादव अपने सपनों का पीछा करते हुए छलांग लगाकर झांसी से पहुंच जाती है मुंबई। मगर सपनों की नगरी मुंबई में एडजस्ट कर पाना उसके लिए इतना आसान नहीं होता है। मुंबई के फास्ट पेस्ड और कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अपने लिए जगह बनाती हुई राधिका अपने बिल्स को मैनेज करने से लेकर नए इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करने तक कई प्रॉब्लम्स का सामना करती है। इस शो के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, न कि घर के अंदर के मसलों को। एक और चीज जो शो को रियलिस्टिक बना रही है वो है स्टाइलिंग। शो में सिंपल, सोबर और बेसिक स्टाइल आउटफिट्स देखने को मिल जाते हैं। इनविक्टस टी मीडिया वॉक्स और सोनी टीवी का ये शो 10 अप्रैल से मंडे टू फ्राइडे रात 9:30 बजे एयर किया जाएगा। जेनिफर विंगेट, अ नेम दैट मींस नो इंट्रोडक्शन इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन टेलीविजन। चाहे बेहद की बोल्ड माया हो या फिर बेपनाह की ट्रेडिशनल एक्ट स्ट्रॉन्ग जोया, दर्शकों ने उन्हें हर रूप में पसंद किया है। और अब खबरें आ रही हैं कि पावर हाउस ऑफ टैलेंट जेनिफर जल्द ही एक नए शो के साथ छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। उनके अपोजिट नजर आएंगी बिग बॉस फेम विशाल आदित्य सिंह। हालांकि अभी तक शो का प्लॉट क्या रहेगा, इसकी कोई भी ऑफिशियल जानकारी बाहर नहीं आई है। कॉन्टिलो प्रोडक्शन हाउस का ये शो जल्द ही हमें सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंडियन और पाकिस्तानी टीवी शो से रिलेटेड लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।